आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। कैंट थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कैंट थाना सहित अन्य थानों से 50 किलो 350 ग्राम गांजे के साथ 11 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उक्त जानकारी आज कैंट थाने में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल ने मीडिया जनों के साथ साझा की। यहां उन्होंने बताया कि कैंट थाने में 6 आरोपियों से 35 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जबकि कुमराज थाने से एक आरोपी के पास से 8 किलो गांजा बरामद किया गया। आगे उन्होंने बताया कि राधोगढ़ में 3 आरोपियों को पकड़ा गया, जहां 3 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जबकि एक आरोपी को धरनावदा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 3 किलो गांजा बरामद हुआ। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर तस्करी के संबंध में और भी पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे व इनकी टीम को पिछले 10-15 दिनों से उड़ीसा से गांजा लाकर गुना सहित रोठियाई, कुमराज, राधोगढ़ व राजस्थान में गांजा खपाने की सूचना मिली थी, जिस पर से थाना प्रभारी कैंट आशीष सप्रे को दिनांक 8 फरवरी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बांसखेड़ी रेलवे फाटक के पास 3 व्यक्ति गांजा लिए हुए बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर थाना प्रभारी कैंट द्वारा 3 व्यक्ति आरोपी पवन पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी बड़ौत थाना कुमराज के कब्जे से 10 किलो गांजा एवं रामेश्वर मीणा पुत्र रंगलाल मीणा निवासी फतेहगढ़ के कब्जे से 11 किलो गांजा, आरोपी ईश्वर लाल रजक पुत्र बाबूलाल रजक निवासी बड़ौत थाना कुमराज से 14 किलो गांजा, कुल 35 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनकी निशानदेही पर आरोपी दर्शन पन्नालाल लोधा निवासी फलिया राजस्थान, आरोपी ब्रजमोहन पुत्र संग्राम लोधा निवासी पगारा धरनावदा, आरोपी प्रवीण उर्फ मोनू पुत्र नंदकिशोर बैरागी निवासी बड़ौत थाना कुमराज के साथ गांजा तस्करी करना व उड़ीसा से व गुना आसपास के क्षेत्रों में बेचना बताया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी कुमराज, थाना प्रभारी धरनावदा, थाना प्रभारी राधोगढ़ को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद वहां से 5 आरोपियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से गांजा तस्करी का रैकेट चल रहा है, जिसमें उड़ीसा से वो लोग गांजा लेकर आते हैं और उसके बाद वो पूरे जिले में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहाँ से उसकी बिकवाली होती है। इस मुखबिर सूचना पर टीआई कैंप में इस सूचना को डेवलप करा और इसमें हमने कुल पूरे जिले से करीब 11 आरोपियों को पकड़ा है और इसमें जो करीब 45 किलो के आसपास जो है पूरा गांजा इसमें पकड़ा गया है। ये सर, इतने बड़े लेवल पे तस्करी चल रही थी, अभी एकदम अचानक कैसे क्या मुखबिर? काफ़ी लंबे समय से इनका ये व्यापार चल रहा था और इसकी हमें गोपनीय सूचना आ रही थी, तो इसमें जब भर करा गया तो इस पूरे रैकेट को पकड़ा गया है। इसमें मुख्य रूप से कुमराज का गांव है बड़ौत, वहाँ के इसमें लोग संलिप्त पाए गए हैं। वहाँ पर व्यापक स्तर पर इस तरह की गतिविधियाँ चल रही थी, इसकी सूचना भी हमें दूर से लगातार इस पर कार्रवाई आगे भी जारी रही। सर, इसकी कीमत कितनी है? इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसके अनुसार इसमें संस्था लगभग करीब 1.5 लाख रुपये का ये गांजा होना चाहिए। सर, रैकेट को जो चेन जो तोड़ा है, इसके बाद और भी लोगों के पकड़े जाने की क्या कुछ है अभी स्थिति जो है? इसमें जो बड़ौत गांव के जो कुमराज थाने के जो लिंक मिले हैं उसमें हम आगे और वर्क करेंगे और जो भी इस तरह से व्यापार में जो इसमें संलिप्त हैं, जो उड़ीसा से ट्रेन के माध्यम से या अपनी पर्सनल गाड़ी के माध्यम से जो इस तरह की गांजे को लेकर आ रहे हैं, लगातार उनको कार्रवाई जारी है। इसमें कोई व्यापारी या राजनीतिक कोई संगठन इस तरह जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसमें कड़ी कार्रवाई। सर, जानकारी प्राप्त हुई थी कि कल सुबह में ये गिरफ्तारियाँ हुई थी, फिर आज सार्वजनिक करने में इतना विलंब इसमें क्यों लिया गया? नहीं, इसमें पूरी कार्रवाई जब समाप्त हो जाती है और आरोपियों को जब हम कोर्ट में पेश करते हैं उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाती है। सर, और भी कोई मेन आरोपी इसमें जो और आरोपियों की भी तलाश चल रही है, जो लिंक हमें मिले हैं उसको भी हम बात कर रहे हैं और जैसे जैसे उसमें कोई भी ठोस कार्रवाई आगे होगी आपको सूचना। वहाँ से फरार हो गया, उसमें सर कौन लोग यहाँ से गए थे लेकर, कैसा ऐसे हो संभव हुआ? प्रधान निरीक्षक और दो आरक्षक की टीम थी जो कि चांचौड़ा अस्पताल से रेफर होने पर ग्वालियर अस्पताल के लिए कैदी को लेके गए थे और वो कैदी की वहाँ से फरार होने की सूचना है, उस पर जो है उसको पुनः पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर में उसको अभिरक्षा से फरार होने का प्रकरण भी पंजीकृत हुआ है और जो टीम जिसकी लापरवाही से इकट्ठा हुई है उस टीम को निलंबित भी किया गया। सर, नाम सर उनके? नाम आपको जो है प्रेस क्लब से देखा गया। कितने लोगों की टीम के साथ जुड़े हुए सर? राजस्थान अभी जो ये घटना हुई है जिसमें कि कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध शराब मिली है, इसके मद्देनजर चेकिंग बढ़ाई जाएगी और हरियाणा में जहाँ से इस शराब का जहाँ से निकलना होता है
वहाँ पर भी हम अपना मुख्य तंत्र को सुदृढ़ करेंगे। जैसे कि जब ये इस तरह के शराब यहाँ से चले तभी हमें सूचना आ जाए। डेड बॉडी जो रिकवर करी थी उसमें कुछ मिला क्या? उसमें अभी जो है पोस्टमार्टम हो चुका है और अभी मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हुआ है, फिर भी जो उसमें कंकाल हमें जंगल में मिला है उसके आइडेंटिफिकेशन के जो प्रयास है वो किए। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम आज 9 फरवरी को मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य की अध्यक्षता में किया गया, जहां उन्होंने हाथ से बच्चों को दवा खिलाकर इस कार्यक्रम को शुरू किया। कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 9 फरवरी को जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को जिले के विभिन्न विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर एल्बेंडाजोल कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ये दवा आंगनबाड़ी केंद्रों पर और 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को यह दवा विद्यालयों में खिलाई जाएगी, जिसमें गुना जिले के 433 स्कूलों के लगभग 5,70,000 बच्चों को यह दवाई खिलाई जाएगी। साथ ही बताया कि दवा खाने से वंचित रहे बच्चों को यह दवा 15 फरवरी को फिर खिलाई जाएगी। ये बड़ी खुशी की बात है। चलो दूसरा बच्चा आ जाओ। मंगवार ग्राम के शहरीय समुदाय के लोग आज जिला कलेक्टर के समक्ष एक ज्ञापन लेकर पहुंचे। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कलेक्टर को उनकी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों से अवगत कराया। गौरतलब है कि ग्राम मंगवार में शहरीय समुदाय के लोगों की लगभग 80 से 90 बीघा जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, जिसके बारे में ये लगातार जिला प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके लिए आज फिर उन्होंने अपने समुदाय के पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले में निराकरण की बात भी कही। कि हमारे आदिवासी लोग हैं, ये मंगरौल गांव है, मंगवार गांव है, मंगवार गांव में ये किसी आदमी ने इनकी ज़मीन पर कब्जा के लिए जबरदस्ती कई बार कलेक्टर साहब के पास आते हैं, इनको यहाँ से भगा देते, इनका आवेदन ले लेता है और राइट कर देते हैं और तहसीलदार और SDM साहब उनको गुमराह कर देते हैं, भाग जाते हैं। लगभग 80-90 बीघा जमीन कब्जा है, 8-10 परिवार की। कब्जा किसने किया है? कोई रामस्वरूप नाम का व्यक्ति है। कहाँ रहता है वो? कौन सा? सरस्वती कॉलोनी में ईशु गुना का है लोगों का। भारतीय जनता युवा मोर्चा विधानसभा बमोरी के कार्यकर्ता आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी लंबित मांगों को पुनः उठाया। गौरतलब है कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से ग्वाल टोलिया तालाब के निर्माण की बात कर रहे हैं, क्योंकि बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 30 से 35 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की काफी समस्या है, जिसके कारण किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वह समस्या को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार के कई नुमाइंदों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया, लिहाजा वो आज पुनः जिला कलेक्टर से मिले व उन्होंने इस समस्या के निराकरण की गुहार कलेक्टर से लगाई है। समस्या हमारे इधर बमोरी क्षेत्र में बहुत वर्षों से पहले से एक मांग चलती आ रही ग्वाल टोलिया तालाब की, तो पानी की बहुत विकराल समस्या है। पानी की समस्या इतनी है कि इस बार आधी ज़मीन परती पड़ी है और ज़मीनों तो दूर की बात है, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं, क्या करें, कहीं कोई सुनवाई हो नहीं रही है। पानी की बहुत समस्या है, आज से नहीं तो बहुत पहले तो मांग करते आ रहे हैं हमारे पूरे। कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन और यहाँ से हमने गुना से लेके अपने बमोरी से लेके भोपाल तक भी हम लोग पहुँचे, सीएम ऑफिस भी पहुँचे, 2 बार भोपाल भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये हम लोग जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, कोई प्रभारी मंत्री जी आते हैं, कोई अधिकारी भी पहुँचते हैं, हम उनको आवेदन देते हैं, हम अपनी मांग करते हैं उनके सामने। मुख्यमंत्री जी से भी इस बार हम मिले थे सर्किट हाउस में 26 जनवरी को जब आए थे। आम आदमी पार्टी जिला गुना के चाचौड़ा विधानसभा प्रभारी दीपक कुमार गुप्ता के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर पीड़ित दीपक कुमार गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले से अवगत कराया, साथ ही इस मामले में संलिप्त पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा उन्हें अनुचित रूप से परेशान किया जा रहा है, साथ ही पुलिस ने चाचौड़ा क्षेत्र में कई अन्य राजनीतिक पार्टियों को खुली छूट दे रखी है कि वह कुछ भी करें, उनके विरोध करने पर इसी तरह से जनता को परेशान किया जाता है। अब
देखने लायक होगा कि पुलिस अधीक्षक इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। ये क्या पुलिस द्वारा मनमानी की जा रही है, कुछ अनैतिक जो राजनीतिक संरक्षण है उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और जिस पर भी चाहते हैं मनचाना केस लगा देना, कुछ भी कर देना, परेशान कर देना, पैसों को उगाना, और जो अनुचित कार्य चल रहा है उनको तो बंद करवा नहीं पा रही है और जो अच्छे व्यक्ति है जिनको छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा कार्य पुलिस द्वारा किया जा रहा है और राजनीतिक दबाव के कारण और पुलिस की मनमानी के कारण कल मैं भी उनका शिकार हो गया। उन्होंने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, इसकी शिकायत के लिए हम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आ जाए। विगत दिवस ग्वालियर संभाग के कमिश्नर रहे आरोन दौरे पर। गुना जिले के आरोन तहसील में कमिश्नर रहे दौरे पर। बता दें कि यहां पहुंचकर उन्होंने आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा भी लिया। इसके बाद कमिश्नर आरोन तहसील पहुंचे व यहां भी निरीक्षण किया। यहां कमिश्नर की उपस्थिति में कोलुओ गाँव में चौपाल का आयोजन भी किया गया एवं ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। यहाँ आदिवासी छात्रावास आरोन के स्टाफ को लेकर कमिश्नर नाराज दिखाई दिए। यहाँ कमिश्नर को पंखे, लाइट, शौचालय आदि में कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। इस दौरे पर कमिश्नर बी एम शर्मा के साथ गुना कलेक्टर राजेश जैन सहित कई विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। ये पूरी अंडरग्राउंड की टेंपरेचर खराब हो गई थी, ये चालू कराए फिर ये करा सकते थे, ये करा सकते, इसमें कुछ नहीं है। देखो जा कितनी बल्ब सरकार ने व्यवस्था की है, पंखा एक है तुम्हारा, पंखा सर भरने गए हुए हैं, पूरे निकलवा दिए सर, पूरे हॉस्पिटल भी कमरे नहीं, सब भरने गए हुए हैं, पूरे सुगर वाले कल तक पूरे लग जाएंगे पूरे। मैंने कहा इसको देखो, देखो इस लाइट में, इस लाइट में क्यों कंजूसी कर, खराब हो गई थी सर, पूरी बात अंडरग्राउंड पूरी फिटिंग खराब हो गई है सर, तो उसको चेंज करवाइए। दूध 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 दे रहे हैं, दूध मिल रहा है, दूध कहाँ से आ रहा है? दूध सर बाजार से होटल से होटल के परसोली जाने दूसरी जेली छबे फेंक दे मार दे। अरे बाबा आराम से, आराम बाबा आराम से बात करो, एक बच्चा मेरे कने रो रहा है। अरे सीधे खड़े रहो बाबा, सुन रहे हैं ना साहब, ये मारिए मरवा गई उन्होंने, कौन ने बच के घर के ने। अच्छा सर कोई सहायता मिलेगी? जो बच्चा रो रहा है मेरे यहाँ। सुखिया भाई, ये तो सुखिया भाई शादी यहीं से करी थी, नरखेड़ा रेड मारो, क्या कर दिया बच्ची को, मार दिया, मरवा दीवा ने। अच्छा खाता खोल भी खुलेगा ही आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। राधोगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में आज राधोगढ़ तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से साडा कॉलोनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राधोगढ़ नगर के अंदर लाने की बात कही गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे, जिन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की एवं अपनी मांग एसडीएम के समक्ष रखी। Let's go!
राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।